तो क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज के वाले वीडियो में मेरे पास यूट्यूब कंपनी से थोड़े बार न्यूज है, तो एक एक करके सारे न्यूज को देखते हैं। तो पहले बात करें फ्लाइंग बीस्ट की। तो फ्लाइंग बीस्ट अंडर अरेस्ट सेक्शन 144। ये अरेस्ट क्यों हुए, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। तो फ्लाइंग बीस्ट के जो वाइफ रितु राणा थी, उन्होंने एक मीटअप ऑर्गेनाइज किया था। तो उसी मीटअप के बारे में फ्लाइंग बीस्ट को तो कुछ पता ही नहीं था। और फ्लाइंग बीस्ट की वाइफ को लगा कि यहाँ गर्दी कम होगी, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। तो उसके बाद यहाँ पुलिस आई। पुलिस आने के बाद गौरव तनेजा को पुलिस लेके गई। तो इस क्लिप में आप देख सकते हो यहाँ कितनी ज्यादा भीड़ है। तो इसके ऊपर मेट्रो स्टेशन में जो हुआ था, उसके ऊपर मेरे पास एक क्लिप है। आइए मैं आपको वो क्लिप दिखा देता हूँ। तो गौरव तनेजा जब अरेस्ट हुए थे, इसी को बहुत सारे यूट्यूबर ने रिएक्ट किया। एंड्रू भी अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करते वहाँ वो लिखते कि यार आई एम फीलिंग बैड फॉर फ्लाइंग बीस्ट, इट इज बर्थडे एंड ही गॉट अरेस्टेड। आई नो इतनी भीड़ एक साथ इकट्ठे करना काइंड ऑफ इमोरेट, वो भी मेट्रो के पास, बट इट वॉज नॉट इवन डन बाय हिम। रितु राणा डिड नॉट फॉर सरप्राइज हिम, बट इनको भी क्या आइडिया इतने लोग आ जाएंगे। तो बस इसी के ऊपर कैरिमेटिक लाइस्ट पे एक बंदा सुपर चैट करके कहता कि फ्लाइंग बीस्ट को अरेस्ट कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कैरिमेटिक को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो ऐसा रिएक्ट कर रहे थे, नहीं तो वो सीरियस हो जाते। फ्लाइंग बीस्ट सर को किया अरेस्टेड। भाई भाई अजय चौके में से बना, मैं पागल आ दूंगा। कल मैं भी अरेस्ट हुआ था, पर मुझे लगा मैं खुद को नहीं कर सकता, मेरी हथकड़ी बिस्तर पे बंधी गई थी। लेकिन गाइस फ्लाइंग बीस्ट को बेल मिल चुकी है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया, वहाँ लिखते कि थैंक यू एवरीवन फॉर योर लविंग विशेस एंड द गिफ्ट, ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल ओवर लूज। तो बस ऐसा ही कुछ किस्से मिस्टर इंडिया हैकर के साथ हुआ, लेकिन वो कोई भी मीटअप नहीं कर रहे थे। लेकिन उनको एक इवेंट में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, लेकिन उस इवेंट की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा खराब थी कि जैसे मिस्टर इंडिया हैकर वहाँ थे, तो उनके कार के सामने इतनी सारी भीड़ जम जाती है, वहाँ से उनको पुलिस निकालती है। वहाँ जो लोग आए थे, उस लोगों को वहाँ पीने के लिए पानी की व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था भी नहीं की गई थी। लेकिन उसके बाद मिस्टर इंडिया हैकर की जो इच्छा थी मीटअप की, वो मीटअप की इच्छा पूरी नहीं होने वाली है। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं इसके बाद मीटअप नहीं करूँगा। और इस चीज को देखने के बाद एक चीज तो मैं अच्छे से समझ गया हूँ, और मैंने टाइटेनियम आर्मी की पावर देखी है, और मैं समझ गया हूँ कि मेरा जो एक सपना था वो अब कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। मेरा एक सपना था कि लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं, कभी कभी कभार मैं उनसे टाइम नहीं दे पाता, कभी नहीं मिल पाता, तो क्यों ना अपन भी एक ऐसा मीटअप करें और मीटअप के अंदर सभी लोगों से मिले, उनसे हाथ मिलाए, उनके साथ सेल्फीज ले, और उनके उनसे दिल से जुड़कर बात करें, अपने मन की खोल की बात करें। लेकिन वो इवेंट देखने के बाद मैं श्योर हूं कि भैया अपन तो मीटअप कर ही नहीं सकते, टाइटेनियम आर्मी की पावर बहुत ज्यादा है। अगर अपन ऐसा करते हैं, अगर मुझे ऐसा करना है, तो उसके लिए मुझे आर्मी बुलानी पड़ेगी, साथ ही साथ जितनी भी वहां पर पुलिस फोर्स होगी वो भी आई थिंक उन सब चीजों को कंट्रोल करने में नाकाम रहेगी। क्योंकि तो आप सभी को पता है कैरिमेटिक न्यू वीडियो आने वाली है, तो उनकी न्यू वीडियो कितने दिनों में आने वाली है, इसी का अपडेट देते हैं। उन्होंने अपने लेटेस्ट स्ट्रीम में क्या बोला, ये देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, अगले हफ्ते आ रही है, विद इन 2 वीक्स आ जाएगी। तो गाइस आज के वाले वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।